हमें कुछ करना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या है? तुम्हारी किस्मत तोहफे देने की रस्म में इसके जादू से हमें पता चलेगा कि माहिरा का निकाह अमाद से होगा या आजाद से। अरे पहनाना है। माहिरा तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकालो, मुझे ये निकाह नहीं करना। सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ हैं आप? हेलो समीर, मैं खान बेगम के पास जा रही थी, एक नकाबपोश ने मुझ पर अटैक किया और वो डॉल्स लेना चाहता है। मैं यही छुपी हुई हूँ। खान बेगम, इंसान अगर गलत रास्ते पर चलता है ना तो उसे अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती, और हमने माहिरा को इस घर में रखने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया है वो गलत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे। आपने माहिरा के ऊपर वो हरा पानी क्यों डाला? आजाद और माहिरा की मोहब्बत की गहराई देखने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने देखा नहीं खान बेगम, जब मैंने पहली बार वो हरे रंग का पानी माहिरा के हाथ पर डाला उस वक्त आजाद का हाथ माहिरा के हाथ में था, तो उस हरे पानी का माहिरा पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो ऐसे लगा जैसे मानो सिर्फ पानी। लेकिन दूसरी बार जब मैंने वो हरे रंग का पानी माहिरा के हाथ में डाला उस वक्त आजाद का हाथ उसके हाथ में नहीं था और माहिरा का हाथ झुलस गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि माहिरा एक पाक रूह है और आजाद भी एक पाक रूह है, और जब दो ऐसी रूह मिल जाती हैं तो उनमें दुनिया की किसी भी बुराई से लड़ने की ताकत आ जाती है। खान बेगम,